डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुलिका। दिल की बीमारी कोई भी नहीं लेना चाहता, पर जो देश का यूथ है वो शायद दिल की बीमारी ही मोल ले लेता है। पर आज के शो में हम वो वाली दिल की बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इलाज तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं कर पाया है। पर आज हम बात करेंगे हार्ट डिजीजेस की। हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और इस पर बातचीत करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे स्टूडियो में हमारे आज के गेस्ट का, डॉक्टर हेमंत चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हेलो डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आप हार्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज करते हैं। वर्तमान में आप इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर के नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी के हेड के साथ हार्ट फेलियर क्लिनिक के कोऑर्डिनेटर इंचार्ज भी हैं। आपको करीब 7 वर्षों का अनुभव है। आप अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के फेलो के साथ यूरोपियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के सदस्य भी हैं। आपके कई शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, हार्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हम सभी जानते हैं कि दिल धड़कता है तो ही शरीर में जो है ब्लड सप्लाई होता है। आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए हार्ट की बीमारियां क्यों बढ़ती जा रही हैं? ये एक अच्छा प्रश्न है कि आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि हार्ट की कुछ बीमारियां पहले से काफी ज्यादा पाई जाती हैं। जी, इसके दो कारण हैं। पहली चीज ये है कि आज एक तो एजुकेशन का लेवल, मेडिकल एजुकेशन का लेवल, जो कि नई नई हार्ट की बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए इतना सक्षम हो चुका है कि आप बहुत अर्ली लेवल पर ही हम हार्ट की डिजीज को डिस्कवर कर सकते हैं और उनका बहुत आसानी से डायग्नोसिस करके उसका निदान कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि आज जैसे जैसे आधुनिकीकरण का दौर होता जा रहा है, वैसे वैसे आजकल इंसान बहुत ज्यादा आराम परस्त होते जाते हैं, बहुत ज्यादा सिटिंग लाइफस्टाइल जो है उनका इस तरीके से हो चुका है कि सारे काम आजकल मशीनों के युग का जमाना है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसके कारण हमारे शरीर का जो परिश्रम जो करने की जो शक्ति है वो अब लोगों की कम होती जा रही है। उसके कारण हमारे हार्ट डिजीज जो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, खून के अंदर चर्बी की मात्रा बढ़ती चली जाती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो कि एक आम पहले की तुलना में आज हमारे शरीर में व्यायाम की जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, उसके कारण ये सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। इनफैक्ट आंकड़े भी यही सजेस्ट करते हैं, अगर हम मोर्टैलिटी रेट देखें, और इंडिया में स्पेशली हार्ट डिजीजेस जो है वो मेजर कारण है डेथ का। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अभी कोलेस्ट्रॉल की बात की, फैट की बात की, तो खाने में हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कितनी मात्रा में फैट या कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं? कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, उसके बारे में बताएं। ये बिल्कुल सही है कि अब ये समय आ चुका है कि हम इसके बारे में अच्छे से जान लें। पहले एक मिथक था कि केवल कोलेस्ट्रॉल, केवल कोई भी घी तेल तली हुई चीजें खाएंगे, ज्यादा खाने से हार्ट डिजीज हो जाती है। ये बात सही है कि एक निश्चित मात्रा से ज्यादा अमाउंट में अगर हम घी तेल तली हुई चीजें या कुछ ऐसा खाते हैं तो उससे हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि खून की जो अपने हार्ट की ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस की दर है वो काफी मात्रा में बढ़ जाती है। परंतु केवल हम ये कहें कि कोलेस्ट्रॉल ही एक ऐसा चीज है जिसके कारण हार्ट डिजीज हो सकती है या एथेरोस्क्लेरोसिस की दर बढ़ सकती है तो ये गलत होगा। क्योंकि अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो फूड एंड डायरेक्टरी जो एडल्ट्रेशन है, USFDA, उसने भी इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि जो डायट्री कोलेस्ट्रॉल है वो एक प्रमुख कारक नहीं है। डायट्री कोलेस्ट्रॉल का जो रोल है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में या एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए वो इतना ज्यादा नहीं है। कुछ अलग फैक्टर्स भी हैं जो कि हार्ट अटैक और हार्ट की डिजीज को बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कारण है वो है शुगर, ब्लड शुगर लेवल। पहले जो एक डायट्री हमारा रहता था कि हमें कम से कम 10% के करीब केवल फैट लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, और कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट रहता था वो अराउंड 60% के करीब कार्बोहाइड्रेट रहता था एक आम भारतीय के खाने में, तो अब इसको बदलने का वक्त आ चुका है। कार्बोहाइड्रेट को भी हमें थोड़ा लिमिटेड करना पड़ेगा और उसके साथ ही हम हार्ट डिजीज से बच सकते हैं। जी, यानी कि 2017 में जो गाइडलाइंस थी अब उन्हें भूलते हुए नई 2018 की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना है। धीरे धीरे ये जो गाइडलाइंस होती हैं वो सबके सब रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट रहती हैं, जो कि प्रीवियस रिसर्च थी उनका जो रिजल्ट आया था, अब जो नई रिसर्च हो रही है वो इन्हीं मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग जो ऐसे हैं, हमने देखे हैं कि आहार में कोलेस्ट्रॉल को न के बराबर लेते हैं, उसके बावजूद भी उनमें हार्ट डिजीज काफी मात्रा में पाई गई। तो ऐसे लोगों में ये पाया गया कि उनमें शुगर का कंटेंट उनके डायट्री में आहार में काफी ज्यादा था। तो अब इससे एक नया कारण ये सामने निकल के आया है कि अगर हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो हमें हार्ट डिजीज के होने का खतरा ज्यादा रहता है। जी। तो गाइडलाइंस
जस्ट फॉर पर्सन हमारे पॉपुलेशन की बेनिफिशियल के लिए है. तो नई गाइडलाइंस का मतलब है एक नई रिसर्च, एक नए परिणाम जो कि हमारी जिंदगी के नए साल बना सकते हैं. डॉक्टर साहब, दिल की बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? एक आम आदमी कैसे पता लगा सकता है कि उसका हार्ट रिस्क वाले जोन में है या नहीं है? कौन कौन से टेस्ट हैं जो रेगुलरली कराने चाहिए और किस एज पे कराने चाहिए? जी, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है. अक्सर हम ये देखते हैं कि विदेशों में वहां पर अगर हार्ट डिजीज के बारे में अगर कोई एक स्टेटिस्टिक्स निकाला जाता है तो वहां पे देखा जाता है कि 55 साल या 60 साल या इससे ऊपर की उम्र के लोगों के अंदर ही इस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं या उनके रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं. बट इंडिया में ये रिस्क फैक्टर्स 10 साल पहले पाए जाते हैं. तो अब जो एक नई एक टर्म आई है दैट इज कॉल्ड एज प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज. दैट मींस जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर समय से पहले थक्कों का जमाव होना. तो इसमें आजकल हमने डेली हम आज रूटीन डिजीज में देखते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र के जो इंडियंस हैं उनके अंदर बहुत जल्दी बहुत प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के केसेस काफी मामले में पाए जाते हैं. 35 वर्ष की उम्र में आते आते हमारे इंडियंस के अंदर हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस का जमाव काफी ज्यादा हो जाता है. और ऐसे लोगों के अंदर सबसे पहले जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं हार्ट के, दैट इज ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नॉर्मली हार्ट का प्रसिप्शन आते ही सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, कॉर्नरी आर्टरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, दैट्स इट. बट हार्ट में जहां ब्लड का एक सर्कुलेशन होता है उसके साथ साथ एक दूसरा सिस्टम होता है, दैट इज करंट सिस्टम. हम सभी के दिल में भगवान के घर से एक पेसमेकर लग के आता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं, और उससे एक पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम अराइज होता है जो कि पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड का पूरे शरीर में बहाव करता है, सर्कुलेशन करता है. तो ये जो ब्लड का जो हार्ट का जो करंट है उसको हम एक ग्राफ पेपर पे एस्टिमेट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी. तो सबसे सस्ती, सबसे सुंदर और सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन वो है ईसीजी. ईसीजी के अंदर सबसे पहले हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी पर्सन के हार्ट में कोई डिजीज है या हार्ट अटैक आने की संभावना है या हार्ट अटैक आ चुका है जी. उसके बाद जो कुछ जांचें होती हैं वो ब्लड की कुछ जांचें होती हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स लेवल्स होते हैं जो हमारे शरीर में अगर हार्ट अटैक आया है तो वो एंजाइम्स लेवल्स बढ़ जाते हैं, जैसे ट्रोपोनिंस लेवल्स हुए, सीपीकेएमबी हुए. ये एंजाइम लेवल अक्सर हार्ट के इंसल्ट होने पर, हार्ट की मसल्स के इंसल्ट होने पर बढ़ जाते हैं जी. जो अगला जो एक जांच होती है वो है हार्ट की सोनोग्राफी, जिसे कि आम भाषा में इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं जी. इकोकार्डियोग्राफी एक हार्ट की एक ऐसी सोनोग्राफी होती है जिसमें हार्ट के सारे चैम्बर्स, उनके सारे वेल्व्स, उनकी सारी दीवारें मोटी तो नहीं है किसी तरह का, उनके वाल के फंक्शन में, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये सारी चीजें जांची जाती है, वाल में कोई लीकेज तो नहीं है. इस तरह से ये बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं. अगर किसी आमतौर पर ये देखा गया है कि जिन लोगों के माता पिता में अगर हार्ट डिजीज रहती है तो ये हार्ट डिजीज एक तरह का आनुवंशिकी का भी एक स्रोत होता है. आनुवंशिकी रूप से ये अपने अगर माता पिता के हार्ट डिजीज रही है तो वो बच्चों में आने की संभावना काफी ज्यादा होती है. ऐसे पर्सन में प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना काफी ज्यादा होती है. इन लोगों को मेरा सजेशन है 35 साल की उम्र होने पर एक बार कम से कम इस तरह के बेसिक टेस्ट जरूर करवाएं. बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, बहुत सारे अस्पताल हैं, टर्शियरी केयर सेंटर्स हैं, आजकल उन लोगों ने स्पेशली हेल्थ पैकेजेस इसके लिए एडवाइस किए हुए हैं जस्ट फॉर स्क्रीनिंग. इसका मतलब ये नहीं है, जांच कराने का मतलब कि आपको बीमारी हो चुकी है, आपको हार्ट डिजीज है या आप हार्ट अटैक के ग्रसित हैं. जस्ट फॉर स्क्रीनिंग, जस्ट फॉर रूल आउट कि आपको हार्ट को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है. अगर हम अर्ली समय से पहले इनको जांच लेते हैं तो हम इनका टाइमली इनका निदान कर सकते हैं, इनकी उपचार कर सकते हैं जिससे कि हार्ट में क्षति नहीं हो जी. इसी के साथ ही हेलो डॉक्टर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा